कैसे खुश करें, कैसे संतुष्ट करें, खुद को कैसे देर तक रोक के रखें। ये तो अधिकांश मर्दों की प्रॉब्लम है कि बेहतर ढंग से कैसे परफॉर्म करें, लॉन्ग लास्टर कैसे बने और अपने पार्टनर को संतुष्ट कैसे करें। हालांकि इसके लिए देखो मार्केट में मेडिसिन दवाइयां भी अवेलेबल है, एक से एक दवाइयां पड़ी है जो आपको लॉन्ग लास्टर बनाने का दावा करती है, आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ा सकती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब कोई व्यक्ति इन दवाइयों का यूज करना शुरू करता है तो उपहार में उसे बहुत तरह के साइड इफेक्ट भी उठाने पड़ते हैं। मतलब जब तक अगला वाइग्रा खाता नहीं, उसका खड़ा ही नहीं होता है, तो ऐसे भी नुकसान देखे गए हैं। संभोग क्रिया को अच्छे से समझकर और कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने इस प्री मेच्योर इजैक्युलेशन, ये अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ये दवाइयां लेने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो वाइग्रा शाइग्रा इस तरह की जो दवाइयां होती हैं जिनके भरोसे आप अपने सेक्स को अंजाम देते हो, इसे तो आप भूल ही जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले संभोग क्रिया को अच्छे से समझना होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसे डिटेल में तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप संभोग क्रिया को किस स्तर पर फील करते हो, महसूस करते हो। एक होता है मानसिक स्तर, दूसरा होता है शारीरिक स्तर। ज्यादातर लोग संभोग को ही सेक्स समझ रहे होते हैं। ऐसे लोग हजार बार सेक्स करने के बावजूद भी उस संभोग का सुख ले ही नहीं पाते, अधूरे ही रहते हैं। एक आदमी के पीनस और एक औरत की वजाइना के अलावा जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है उसका दिमाग। क्योंकि जब भी आप किसी कामोत्तेजक महिला या किसी सेक्सी पुरुष को देखते हैं, कोई सेक्सुअल कंटेंट पढ़ते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले जो कामोत्तेजना होती है हमारे दिमाग में हिलोरे मारती है, हमारे दिमाग को एक्टिव करती है। उसके बाद सेक्सुअल थॉट दिमाग में आना शुरू होते हैं जिससे सेक्स हार्मोन रिलीज होता है और हम सेक्सुअली अराउज होते हैं। फिर हम लिंग को योनि में प्रवेश करके, घर्षण करके, ऑर्गजम को रिलीज करके खुद को शांत करते हैं। इसका मतलब देखो साफ है कि जो सेक्स है वो माइंड में पैदा होता है, लिंग और योनि तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो जब भी आप सेक्स करें, संभोग क्रिया में लीन होए, तो अपने मन पर पूरा कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें। आपको अपने अंदर उतरते हुए सेक्स को देखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना जो ध्यान है सिर्फ वजाइना और पीनस की परफॉर्मेंस पर ही केंद्रित नहीं करना चाहिए। आप अपने पार्टनर से घंटों गंदी बात करके उसे इस संभोग क्रिया से ज्यादा संतुष्ट कर सकते हो, ज्यादा उसे आनंद की अनुभूति करा सकते हो। अगर आप डर्टी टॉक में एक्सपर्ट हैं, मतलब गंदी बातें करने में आप एक्सपर्ट हैं, शब्दों का खेल आपकी उसमें अच्छी पकड़ है, तो आप किसी भी फीमेल को सिर्फ डर्टी टॉक करने से ही डिस्चार्ज करा सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। ये जो संभोग है ये तो सिर्फ एक अंतिम बिंदु है, एग्जिट पॉइंट पूर्णता को प्राप्त करने का। सारा खेल तो उससे पहले ही होता है। गंदी बातें कुछ भी कर सकते हैं आप उसके साथ, जो उसे सुनकर वो सेक्सुअली अराउज होए, उसकी ब्यूटी की तारीफ कर सकते हैं या किसी भी ऐसे सेक्स पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं जिससे वो अराउज होती हो। एक सेक्सुअल एक्ट करना एक अलग चीज है, लेकिन उसको मुंह से बोलना एक अलग चीज है। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि अपने पार्टनर का वो बॉडी पार्ट, वो अंग जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो, रुक नहीं पाते, उससे आप शुरू शुरू में दूरी बना के रखिए। मतलब आप सारे अंगों से उसके खेलिए, लेकिन वो जो उत्तेजित अंग है जो आपको अराउज करता है उससे दूरी बनाइए। फोर प्ले पे अवश्य ध्यान दीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए, फोर प्ले करना मत भूलिए। और फोर प्ले कभी भी जल्दबाजी में मत कीजिए। इनफैक्ट सेक्स को भी हमेशा फ्री माइंड से रहकर ही कीजिए। जितनी भी टेंशन और परेशानियां उसे बेडरूम से दूर रखिए। अपने पार्टनर से कामुक बातें कीजिए, कामुक बातें करते करते उसके उत्तेजित अंगों पे हाथ लगाइए, टच कीजिए, उसे सेक्सुअली अराउज कीजिए। लेकिन अपने को अराउज मत होने दीजिए, अपने दिमाग अपने मन पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। तो सत्य है कि अगर कोई पुरुष कामुक बातों का बादशाह है और फोर प्ले में एक्सपर्ट है तो वो किसी भी औरत को अपना दीवाना बना सकता है। संभोग से पहले ना जाने कितनी बार उसको ऑर्गजम दिलवा सकता है। एक राज की बात खोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी पुरुष को लॉन्ग लास्टर बनना है, बेड परफॉर्मर बनना है,
तो उसे खुद के माइंड को सेक्स से दूर रखना होगा अपनी पार्टनर के साथ सेक्सुअली परफॉर्म करते हुए। आप सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है, इसे ही तो नियंत्रण कहते हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, वो लड़की या वो औरत आपकी दीवानी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, आपके पीछे पीछे घूमेगी और आपके लिए हमेशा परेशान रहेगी कि अगर मुझे सेक्स करना है तो इसी के साथ करना है। अगली को 10 बार डिस्चार्ज करा दो, खुद एक बार भी ना हो, वो भी सोचे क्या है ये, क्या चीज है, कौन सा पॉइंट दबाऊ मैं इसका। उसे धारा में बहते रहने दो, खुद विपरीत बहो, तब है मजा, तब होगी वो पागल आपके लिए। और ये पॉसिबल है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। सारा खेल दिमाग का है, कंट्रोल का है, नियंत्रित करने का है खुद को। देखिए, एक्सपर्ट होने के लिए कई बार कुछ टेक्निक का भी यूज किया जाता है, जैसे स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। इसका तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है अपनी एक वीडियो में जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है अपने चैनल पे, कि पानी निकलने से पहले कोई पुरुष जो है वो मल्टीपल ऑर्गेजम कैसे हासिल करे। तो उसमें मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक को ही एक्सप्लेन किया है। आप इस विधि को यूज करके खुद के माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं और अपने ऑर्गेजम को हासिल कर सकते हैं, खुद ऑर्गेजम फील कर सकते हैं मल्टीपल टाइम, और एक्सपर्ट बन सकते हैं, अपनी वाइफ को चरम सुख का अनुभव भी करा सकते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को। अब एक और चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ कॉन्शियस बनिए, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, सिगरेट स्मोकिंग इन सब चीजों से दूर रहिए। ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। अच्छा खाना खाइए, 8 से 10 घंटे की गहरी नींद लीजिए और केगल एक्सरसाइज जरूर करिए। ये जो केगल एक्सरसाइज होती है, पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं, ये आपके मसल्स को मजबूती देती है, उसमें स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करती है। अब देखा जाए तो कुछ ऐसे सेक्स टॉयज भी आ गए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी सेक्स परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में सपोर्ट करते हैं, जैसे कॉकरिंग। कॉकरिंग जो है वो पीनस में ब्लड को रोक देती है और जिसकी वजह से पीनस में फुल इरेक्शन रहता है और सेक्स टाइमिंग भी आपकी बढ़ती है। तो आप इस तरह के सेक्स टॉयज का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कॉकरिंग के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए। तो ये वो सारे तरीके हैं जो मैंने आपको बताए जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टर बन सकते हैं। कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।